साथ यूपी के रण की, जहां एसपी कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया है। गठबंधन पर बात करने के लिए रामगोपाल यादव अखिलेश के घर पहुंचे हुए हैं। रामगोपाल कांग्रेस की लिस्ट लेकर अखिलेश के पास पहुंचे हैं। अखिलेश कांग्रेस से मांगी गई सीटों पर विचार करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीटों को लेकर शाम तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और औपचारिक ऐलान इस गठबंधन का सीट बंटवारे के साथ कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट भेज दी है। रामगोपाल उस लिस्ट को लेकर अखिलेश के पास इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उस लिस्ट को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि 80 से 85 सीटें कांग्रेस को दी जाएं इस गठबंधन के तहत, और जो लिस्ट कांग्रेस की ओर से आई है, क्या उस लिस्ट में आपको लगता है कि सब कुछ मान लिया जाएगा और आज शाम तक सब कुछ फाइनल होकर कल इसका औपचारिक ऐलान हो पाएगा? तान्या, निश्चित रूप से तकरीबन सुबह 4:30 बजे तक इस लिस्ट को लेकर रामगोपाल यादव अपने करीबियों के साथ मंथन करते रहे। वहां पर जातिगत समीकरण को देख रहे थे कि आखिर कैसे जिन लोगों के नाम दिए गए हैं और बीजेपी और बीएसपी की जो लिस्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए, किस तरीके से कहीं क्लैश नहीं हो रहा है, और उनका प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो उसमें किस तरीके से फिट बैठते हैं। और उसके बाद रामगोपाल यादव पांच कालिदास मार्ग आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि अपने साथ ये ओम प्रकाश सिंह को भी लेके आए हैं, जो कि अभी तक विरोधी खेमे में थे। रामगोपाल यादव उनको साथ लेके आए हैं, यानी जो लिस्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से कल दी गई थी उनके लोगों को भी लेके आने का काम रामगोपाल यादव ने किया है। उसमें तकरीबन 7-8 लोग हैं जिनको रामगोपाल यादव अपने साथ मुख्यमंत्री के आवास में लेके गए हुए हैं। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का, उसके बाद इस पे अंतिम मुहर लगेगी, क्योंकि इस समय इनके पास ऐसा कोई भी रिस्क लेने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर रिस्क लेंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। तान्या, अरविंद, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश का इंतजार हो रहा है, जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं इस लिस्ट को लेकर चर्चा होगी और मुमकिन है आज शाम तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा महागठबंधन को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।